ऐसा है जो पुलिस प्रशासन है सब केंद्र के इशारे पे काम करता है, केंद्र के इशारे पे जुडिशियरी भी काम कर रही है। जुडिशियरी ने जो SC ST अत्याचार निवारक जो 89 में जो पास हुआ था उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। जो दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं तो उन्हीं के इशारे पर ये सब पुलिस भी काम कर रही है, जिसको नहीं ख़त्म करना चाहिए था। तो केंद्र के जो मोदी जी की सरकार है वो जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा तोड़वा रही है, जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह दलितों का दमन हो रहा है, लेकिन वहाँ मोदी जी चुप रहते हैं। लखनऊ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर बाबा साहब की मूर्ति टूट चुकी है। ऊना में जो कांड हुआ था, दलित को जो पीटा था, वहाँ पर मोदी जी चुप रहे। वो जो है जब भी दलितों पर जुल्म होता है जब भी मोदी जी चुप रहते हैं और बाद में अपनी एक नई बात निकाल के लेते हैं, कभी भीम ऐप है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बरगलाने की बात करते हैं, लेकिन दलितों को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा। आगे आगामी योजना क्या रहेगी इस एक्ट को लेके? आगामी योजना जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है रद्द नहीं होगा, जब तक दलितों के धरने प्रदर्शन बराबर रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इस समय हमारा युवा मोर्चा पूरा सक्रिय है, दलित पूरे सक्रिय हैं और जगह जगह कहीं ट्रेन रोकी जा रही हैं, कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ट्रैफिक रोका जा रहा है। जब तक उसको रद्द नहीं करेंगे जब तक ये चलता रहेगा। धन्यवाद।